मिट्टू कहाँ है? वो मैं बुलाती हूँ उसको। मिट्टू, ये तुम्हारी आजी है। नमस्ते। किसे रहो बेटा? ये तुम्हारी मौसी है, ये है बड़ी मौसी और ये है काका। अरे मैंने पर्स कहाँ रख दिया? अरे ये तो कृष्णा पर गई है। करी थी? किसी से बिना पूछे उनके पर्स में हाथ डालते हैं क्या? नंदिनी क्यों डांट रही है बिचारी को? देखा नहीं काकू साहब आपने कैसे आपके पर्स में हाथ डाल रही थी? जाने किसने सिखाया इसे ये सब। कमरे में नहीं है मतलब क्या कह रही? ऊपर किसी भी कमरे में नहीं है वो। कमरे में नहीं है? नहीं है। बिना बताए कोई जाते हैं क्या? आप मेरे लिए परेशान क्यों हो रही है? आपको मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना? ऐसे नहीं बोलते बेटा। अगर मेरे चले जाने से आई हैप्पी हो जाएंगी तो आप मुझे आश्रम में वापस भेज दीजिए। अपनी आई को हैप्पी रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ भगवान जी, कुछ भी। मैं जानती हूँ कि मेरी बेरुखी तुझे कितनी तकलीफ पहुँचाती है मिट्टू। समझती हूँ कि मेरी वजह से तुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा, पर मैं क्या करूँ बेटा, क्या करूं मैं? चाहकर भी मैं तुझे तेरे हिस्से का प्यार नहीं दे सकती। मेरे लिए भी ये करना बहुत मुश्किल है मिट्टू। मैं ये जानती हूं कि इसमें तेरा दोष कोई नहीं है बेटा। नंदिनी की मर्जी के खिलाफ उसे यहां रखकर किसी का फायदा नहीं होगा, ना मिट्टू खुश रहेगी और ना नंदिनी। इसलिए मैं चाहता था कि आप मिट्टू को वापस ले जाएं। ये लीजिए, आज से मिट्टू की जिम्मेदारी मैं आपके हाथ में वापस सौंपता हूं। सॉरी बेटा, अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता हूं।